आगरा में लगातार बढ़ते तापमान और प्रचंड गर्मी में कई जगह संकट गहराया हुआ है। शहर के बढ़ते तापमान को लेकर समाज सेवी दिनेश भास्कर ने अपनी चिंता जाहिर की है। समाज सेवी दिनेश भास्कर ने प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों पर भी पानी की किल्लत पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। समाज सेवी दिनेश भास्कर का कहना है कि आगरा जिले में पेयजल संकट गहराया हुआ है। लगातार आगरा जिले के कई ब्लॉक डार्क जोन में आ रहे हैं। बावजूद इसके शहर में धुआंधार समरसेबल लगाए जा रहे हैं और जगह जगह आरओ प्लांट खोले जा रहे हैं जो प्रतिदिन लाखों लीटर पानी बर्बाद करते हैं। उन्होंने कहा कि पानी की बचत के लिए ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए, साथ ही शहर के भूगर्भ जल को बढ़ाने के लिए यमुना में से सैंड को निकालना होगा जिससे उसकी गहराई बढ़ सके और अधिक से अधिक जल यमुना में जमा हो सके। समाज सेवी दिनेश भास्कर ने कहा कि आगरा शहर के दूषित होते वातावरण, बढ़ते तापमान पर किसी का ध्यान नहीं है। जनप्रतिनिधियों या फिर प्रशासन के अधिकारी सभी को अपने निजी स्वार्थ से मतलब है, पर्यावरण के बारे में कोई भी सोचने को राजी नहीं है। उनका कहना है कि अगर हम आगरा शहर के तापमान को कम करना चाहे, पर्यावरण को बचाना चाहे, तो हमें पोखर और छोटे तालाब इन सभी को बचाना और संरक्षित करना होगा। नहीं, सरकार को इस पर तो बहुत काम करने की जरूरत है। आगरा जैसे शहर में यहाँ पहले बहुत सारे बाग होते थे, बगीचे होते थे, तालाब होते थे। वो सारे बिल्डर्स के साथ मिल के हमारे ही अधिकारियों ने, हमारे नेताओं ने उन सबको ख़त्म करा दिया और उसकी वजह से इतनी भयानक गर्मी का प्रकोप है आगरा में। जबकि पहले आगरा और शहरों से ठंडा होता था क्योंकि यहाँ पे उसका सारा टेम्परेचर मेंटेन होता था प्लांटेशन से और तालाबों से। तो आज के टाइम में जो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें पूरे आगरा में डेंस प्लांटेशन की ज़रूरत है और आसपास के एरियाज़ में भी बहुत सारे प्लांटेशन की ज़रूरत है और इवन सिटी के अंदर ही तालाबों की ज़रूरत है। जो तालाब हैं जिन पे सरकार कोर्ट स्टे या इसकी वजह से काम नहीं कर रही है, आउट ऑफ द वे जाके काम करना पड़ेगा इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कि हमें तालाब भी चाहिए जिससे पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पानी का लेवल मेंटेनेचर रहता है, हवा का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जो बाटल जो पानी लगा समल लगा रहे हैं काफ़ी नीचे चला गया, 200-250 फुट नीचे चला गया, पहले ऊपरी था। इससे क्या दिक्कत आ रही है? क्या इससे तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपकी बिजली का कंजम्पशन बहुत चलता है, मोटरों का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कंजम्पशन। तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है। अगर हमारी सरकार थोड़ा सा भी विवेक से काम करे और कोशिश करे कि जितनी भी जगह तालाब के ऑप्शन हैं, आज जैसे सरकार नई नई कॉलोनियाँ बना रही है लाइक ताजनगरी फेज टू, बहुत जगह खाली पड़ी है। अगर वहाँ 2-4 एकड़ में आज तालाब बना दे तो एक तो रमणीय स्थल हो जाएगा, पर्यटन टाइप के लिए भी फ़ायदेमंद है वो और हमें प्रकृति को तो फ़ायदा देगा। इसी तरह से राजस्थान वाले बॉर्डर पर हमारा जहाँ आगरा है, वहाँ 2-3 किलोमीटर के पूरा पेरीफेरी क्रिएट की जाए, 2-3 किलोमीटर चौड़ी जंगल, वाइल्ड जंगल, जिससे वहाँ की गर्मी का इम्पैक्ट, राजस्थान की गर्मी का इम्पैक्ट हमारे यहाँ कम आए, धूल वगैरह कम आए और टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों से टेम्परेचर मेंटेन। न्यूज़ के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।